आज आपके सामने खड़ा हूं और आपको मैं एक रिविजनरी वीडियो देने वाला हूं, और उस वीडियो को के ऊपर मैं किस टॉपिक में बोलूंगा मैं बता दूं। दोस्तों, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैं ऐसा समझता हूं कि सीएस की हिस्ट्री में ये टॉपिक सभी अटेम्प्ट में आया, एक आध अटेम्प्ट को छोड़ दें, अगर 99% ये टॉपिक आ रहा है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 100 में से मुझे लगता है 10 से 12 नंबर का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों जरूर आएंगे पेपर में। तो मेरी ये कोशिश है आप सबके पास पहुंचने की कि मैं 15 से 20 मिनट में आपको एक ओवरव्यू दे दूं और ये बता दूं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से कंसेप्ट का ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं, थ्योरी में क्या क्या करना है, और इस टॉपिक में फ्लो चार्ट कितने बनाने हैं। हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, चित्र कितने बनाने हैं, डायग्राम कितने बनाने हैं। मुझे आज भी याद है कि मैंने कोई भी पेपर में, चाहे मैंने सीए का किया, चाहे मैंने सीएस एग्जामिनेशन दिया या मैंने सीएमए एग्जामिनेशन दिया, किसी भी पेपर में जब भी मुझे मौका मिला मैंने डायग्राम जरूर बनाए, फ्लो चार्ट जरूर बनाए। इवन अमेरिकन, लंदन, यूरोपियन पेपर्स में भी मैंने यही बात फॉलो की। तो दोस्तों, आज आपके सामने खड़ा हूं तो थ्योरी में भी जान डाल दी। तो आइए, मैं आज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए आपको एक रिवीजन के लिए रिवीजनरी वीडियो दे रहा हूं। दोस्तों, रिवीजनरी वीडियो, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल दो तरह की हो सकती है, जैसा मैंने अपने लेक्चर्स में बताया। एक का नाम है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरी वर्किंग कैपिटल का नाम है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल तो नेट कहें या खाली वर्किंग कैपिटल कहें, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को हम कहते हैं टोटल ऑफ करंट एसेट्स, और दोस्तों नेट वर्किंग कैपिटल को कहते हैं टोटल ऑफ करंट एसेट्स माइनस टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज। टोटल ऑफ करंट एसेट्स माइनस टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मैंने कहा एक लाइफ ब्लड है, एक लाइफ ब्लड है। जैसे आपकी बॉडी में खून का दौरा हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है, इसी तरह से वर्किंग कैपिटल एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसा ब्लड है, एक ऐसी कैपिटल है जो हमें वर्क पर्पस के लिए चाहिए, वर्किंग के लिए चाहिए, रोजमर्रा के काम करने के लिए चाहिए। तो दोस्तों, रोजमर्रा के काम के लिए जो पूंजी चाहिए उसका नाम है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैंने समझाने की कोशिश की थी कि एक छोले भटूरे बनाने वाला, छोले भटूरे देसी घी के, उसने नाम लिखा पुरानी दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे। अब आप ये बताइए, उसको उसको एक रेडी लगानी है और रोज वो छोले भटूरे बना रहा है, तो बेटे इस रेडी में उसको हर रोज देसी घी चाहिए, मैदा चाहिए भटूरा बनाने के लिए, चने चाहिए, प्याज चाहिए, अचार चाहिए, प्लेट चाहिए, बेटे ग्लास चाहिए, बेटे चम्मच चाहिए, बेटे आम का अचार चाहिए, और बेटे रेडी खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। मैंने कहा रेडी खरीदना इज नॉट वर्किंग कैपिटल, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा रेडी जो खरीद रहा है वो कैपिटल एक्सपेंस है, ये फिक्स कैपिटल है बेटा, ये फिक्स कैपिटल है। और इसमें जो भटूरे, चने, देसी घी जो इस्तेमाल होगा, जिसके पैसे मिलेंगे, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। बेटे इस दुनिया में हर किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, बिना वर्किंग कैपिटल के आप वर्क ही नहीं कर सकते। तो मैंने तो एग्जांपल दिया छोले भटूरे बनाने वाले,
आप सोचिए कि आप एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जब काम करेंगे और आपको ऑफिस होगा और ऑफिस के बाहर लिखा होगा CS.RamlalAsociates कंपनी सेक्रेटरीज। आप बताइए इस ऑफिस में आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी और फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक तो परमानेंट फंड्स चाहिए और एक टेम्परेरी फंड्स चाहिए। टेम्परेरी फंड्स का मतलब है वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए। क्या एग्जांपल बता सकते हैं कि आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग क्या क्या आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होंगे? बेटे वर्क करने के खर्चे, वर्किंग एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? बेटे इलेक्ट्रिसिटी पे करना, बेटे आप सब अपने नीचे ट्रेनीज रखेंगे और बेटे ट्रेनीज को ऑनरेरियम देना, बेटे ट्रेनीज को ऑनरेरियम देना वर्किंग कैपिटल है। बेटे इसके साथ साथ बेटे स्टेशनरी खरीदना, स्टेशनरी यूज करना, बेटे चाय पानी का खर्चा होना, बेटे सारा का सारा क्या है? वर्किंग कैपिटल है। ये चैप्टर कर क्यों रहे हैं बेटे? मैंने कहा इस चैप्टर को करने के पीछे एक ही कारण है बेटे, इस चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इस चैप्टर को मैंने अभी आपको बताया, क्लास में हमने देखा कि हमने 24 कॉन्सेप्ट्स में कवर किया, 24 कॉन्सेप्ट्स अभी आपके सामने आ रहे हैं। तो 24 कॉन्सेप्ट्स के पीछे एक लॉजिक था कि भाई वी वांट टू डू दिस चैप्टर, इस चैप्टर को हम करना क्यों चाहते हैं? बेटे इस चैप्टर को करने के पीछे कारण ये है कि आप किसी हिल स्टेशन में जाते हो या कोई भी काम करते हो इस दुनिया का, पहले प्लानिंग करते हो नहीं करते, पहले सोच विचार करते हो या नहीं करते? बेटे जो आप पहले सोच विचार कर रहे हैं, जो पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने कहा उस प्लानिंग के पीछे आपको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ता है ना कि जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, हिल स्टेशन जाना है। मान लेते हैं आपने पेपर दिए, थक गए, पेपर खत्म हो गए, आप हिल स्टेशन घूमने जाना चाह रहे हैं, तो कितने दिन के लिए जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कितना खर्चा आएगा, क्या खाएंगे? बेटे सारी एस्टिमेशन पहले नहीं करते क्या आप? तो बेटे ये कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन ही तो है। तो मैंने आप सबको ये बताया था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो स्टेप्स होते हैं, आपको याद आ रहा हो, पहले लेक्चर में बताया, मैं अभी तो आधे घंटे में पूरे 5 लेक्चर को रिवाइज करा रहा हूं। मैंने वैसे बताया था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला स्टेप बेटे एस्टीमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और बेटे दूसरा स्टेप स्टेप नंबर 2 बेटे, दूसरा स्टेप फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो बेटे दो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और हम किसी भी कंपनी की वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कर सकते हैं, आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं। बेटे जिसने ये स्टेप फॉलो नहीं किया वो कंपनियां डूब जाती है बेटे, लिक्विडेट हो जाती। एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइंस, मैं आपको याद करा रहा हूं कि मैंने आपको एक मिनट के लिए किंगफिशर का एक एग्जांपल भी दिया था। एक मिनट जरा देखेंगे, वीडियो देखा है, ये वीडियो जो है ना Kingfisher employees out on the streets. A nationwide protest launched against the management for not paying salaries for the last 6 months. They do not have any confidence left in the authorities, and which is why they do not want to hold any more meetings, because meetings are not fruitful. The lender's decision to release 60 crore rupees is a small relief, but Kingfisher says it's simply not enough. The wage bill at Kingfisher is around 20 crores per month. Wage bill is 20 crores. इतने पैसे नहीं है Kingfisher विजय माल्या के पास, वो तो भाग गया लंदन। बेटे wages देना, salaries देना, airport के charges देना, petrol expenses देना, बेटे सब क्या है? Working capital.
वर्किंग कैपिटल बेटे एस्टिमेट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं। तो आइए जी मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, इस चैप्टर में मैंने ये कंसेप्ट रखे थे, 24 कंसेप्ट है, हमने 5 लेक्चर जो लिए थे उसमें ये 24 के 24 कंसेप्ट की पीपीटी लिखवाई थी, इन कंसेप्ट को समझाया था और फिर मैंने इनके ऊपर क्वेश्चंस कराए थे। आप देखिए पहला कंसेप्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, दूसरा कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जिसको 11th क्लास में आप बोलते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिसीजंस, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कंसेप्ट 6 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कंसेप्ट 7 ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपको वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, बेटे इसके ऊपर पीपीटी लिखवाई थी। कंसेप्ट 8 स्टेप्स क्या है फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के क्या स्टेप्स फॉलो करोगे बेटे वो बताया था। स्टेजेस फॉर एस्टिमेशन, कंसेप्ट 9 फॉर्मेट बनाई थी कॉस्ट शीट की। मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि सर हमने वर्किंग कैपिटल कहीं और किया लेकिन उन्होंने कॉस्ट शीट तक नहीं बनवाई, क्वेश्चंस तो कर लिए लेकिन लॉजिक समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटे, दुख की कोई बात नहीं है, अब दुख भरे दिन बीते रहे भैया। आपके सामने YouTube में मैंने वर्किंग कैपिटल सारा अपलोड कर दिया है, आप YouTube चैनल में जाएं और सारे लॉजिक्स देखें बेटे, अब वो दिन नहीं रहेंगे, आपको अब लॉजिक्स कंसेप्ट समझ आएंगे। आइए बेटे कंसेप्ट में मैंने फिर ऑपरेटिंग साइकिल बताई, वर्किंग कैपिटल कैन बी एस्टिमेटेड ऑन टू बेसिस ये बताया, नॉन कैश के एक्सपेंसेस के बारे में बताया। अभी बताऊंगा बेटे 10-15 मिनट में मैं सारी चीजें आपको रिवाइज कर देता हूँ। फाइनेंसिंग बताई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच बताई, न्यूली कमेंसिंग बिजनेस बताया। वो बेटे मुझे ये सुनने में आया कि कॉस्ट शीट 3 तरह से बनाते हैं जो मैं सिखाता हूँ क्लास में और कोई बताता नहीं है, तो मैंने ईपीक्यू में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको भी देखेंगे। आइए जी आइए फिर दोस्तों मैंने कुछ पीपीटीज कराई थी, थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो कुछ स्लाइड्स दिखाई थी आपको सामने, मैं वो प्रेजेंट कर रहा हूँ एक मिनट के लिए आप देखें। सबसे पहले मैंने बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें 3 डिसीजंस आती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, मैंने बताया था 11th क्लास में आपने देखा था, 2 तरह के खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंस को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म डिसीजंस। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कंसेप्ट 2 में जो आपको लगाया था मैंने टाइप्स ऑफ डिसीजन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होती है हम उनको कहते हैं ये वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया किंगफिशर का, मैंने एग्जांपल दिया छोले भटूरे वाले का, मैंने एग्जांपल दिया सीएस प्रैक्टिसिंग का, बिल्कुल उसी तरह से करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। व्हाई वी वांट टू एस्टीमेट, बिकॉज अगर हम एस्टीमेट नहीं करेंगे तो बेटे हमें पता ही नहीं चलेगा, बजट ही नहीं बनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आगे कितना चाहिए। तो कंसेप्ट नंबर 5 बेटे, इस दुनिया में जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, मैंने बताया आपको आप 3 स्टेप्स अगर फॉलो कर लें तो वर्किंग कैपिटल का बाप हो जाएगा आपसे। बेटे सीए, बेटे सीएस, बेटे सीएमए, बेटे आईएफआरएस, बेटे लंदन, बेटे यूएसए, मैंने सब कुछ किया इन 3 स्टेप से। जरा देखिए पहला स्टेप आपको एस्टीमेट करनी है वर्किंग कैपिटल और दूसरा फाइनेंस करना है। 2 तरह की वर्किंग कैपिटल होती है ये मैं बता चुका हूं। आइए जी आगे आगे मैं आपको थ्योरी में मैंने समझाया What are the factors affecting working capital? बेटे ऐसी कौन सी बातें हैं जो working capital को affect कर देती हैं? बेटे हमने theory के questions अलग लिखे हुए हैं। अभी दिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा, अभी बताऊंगा। फिर मैंने आपको बताया था operating cycle factors में। एक stage होती है raw material, दूसरी WIP, तीसरी finished good, फिर debtors और फिर creditors के बाद O, vicious circle of poverty, O से represent करते हैं। ठीक है जी, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट स्टेप्स बेटे ध्यान रखना, ये कंसेप्ट नंबर 8 सबसे प्रीशियस है। स्टेप्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप 1
प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। बेटा कोई नहीं कहा था, मुझे बच्चे आके बोलते हैं सर कॉस्ट शीट हमें पता नहीं क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। बेटा तीन तरह की कॉस्ट शीट होती है, तीन तरह की कॉस्ट शीट इस दुनिया में कोई बताता नहीं रूपेश आनंद के अलावा। तीन कॉस्ट शीट होती है बेटे, कॉस्ट शीट स्टेप नंबर वन। दूसरा स्टेप ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट बनानी पड़ती है बेटा वर्किंग कैपिटल की, और तीसरा रेशियो एंड रिलेशनशिप। तो बेटे फिर मैंने फॉर्मेट बताया था, कॉस्ट शीट का ध्यान से देखिए, रॉ मटेरियल एट ओपनिंग लेस क्लोजिंग कंज्यूम, फिर मैंने उसके बाद आपको लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड, फिर मैंने बेटे ओपनिंग WIP क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेल्स, और फिर मैंने कहा था कुछ बातें आप माइंड में जरूर रखें व्हाइल एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल। तो बेटे कंसेप्ट नंबर 10th के बाद मैंने कॉस्ट की मॉडिफिकेशन बताई, फिर मैंने आपको कुछ ये भी बताया कि अगर क्रेडिट सेल्स नहीं भी हो तो आप मान लो कि क्रेडिट सेल्स और टोटल सेल्स बराबर है, प्रेफरेंसेस कैसे देंगे अगर ओवरहेड्स का नाम नहीं पता नेचर नहीं पता। तो बेटे पहली प्रेफरेंस फैक्ट्री ओवरहेड, प्रेफरेंस टू ऑफिस ओवरहेड, प्रेफरेंस थ्री सेलिंग ओवरहेड्स, ठीक है जी। ये मैंने डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताई थी, फिर बेटे मैंने फॉर्मेट बताया था कि कैसे वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करते हैं। पहले आप लिखेंगे फंड्स इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और फिर साइकिल्स बताई थी, मैंने बताया था एक तरफ हीरोज खड़े हैं दूसरी तरफ हीरोइंस खड़ी है, तो हीरो को हीरोइन से रिलेट कैसे करोगे। जैसे एक तरफ घर है शाहरुख खान, तो दूसरी तरफ काजोल भी है, रंग दे मैं हूं गेहुआ, मान लेते हैं काजोल है, मान लेते हैं दीपिका पादुकोण है, तो बताइए आप शाहरुख को किससे रिलेट करेंगे। बेटे काजोल से। तो बेटे पांच स्टेजेस है, कुंती मेहता के पांच पुत्र थे, बताया था आपको, ठीक है जी। फिर मैंने समझाया था कि साइकिल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल स्टेज वन मंथ WIP फिनिश गुड डेटर्स। अगर आपने नहीं समझा क्योंकि आप यहां नहीं पढ़ पाए, कोई दुख की बात नहीं है, आप अभी रिवीजन वीडियो देखिए, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप YouTube में जाइए वहां भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैंने बताया था जी वर्किंग कैपिटल कैन बी एस्टिमेटेड बाय टू अप्रोचेस, एक टोटल एक कैश। बेटे अगर पेपर में ना दिया हो तो टोटल भी काम करना है। एक बच्चा कहता है कैश में और टोटल में डिफरेंस क्या है। बेटे डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट दो ऐसी चीजें हैं जिससे कैश बाहर नहीं जाता लेकिन वो कॉस्ट है, तो बेटे उनको एक्सक्लूड कर दे तो कैश कॉस्ट आती है। तो बेटे जूही चावला का क्वेश्चन किया था याद है, देखिए कंसेप्ट 15 नॉन कैश डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के मेथड बताए थे। और बेटे फिर मैंने आपको आगे लेके चला था, आइए देखिए लेक्चर 4 आ गया, बेटे एक सेकंड लेक्चर 2 कर दूं, कहां गया लेक्चर 2, कहां हो तुम लेक्चर 4 क्यों आ रहे हो, कहां हो, बेटे लेक्चर 2 नाराज हो गया, हाय राम नाराज हो गया, कहाँ हो बेटे, आगे टाइम कम है, आधे घंटे में सब रिवाइज करना है, कहाँ हो, लो बेटे आ गया। फिर मैंने बताया था कैश कॉस्ट एस्टिमेशन, जूही चावला का क्वेश्चन किया था। तो बेटे दो चीजों को तीन चीजों को ध्यान देते हैं क्योंकि गलती तीन ही चीजों में होती है, WIP कैश कॉस्ट, कैश फैक्ट्री कॉस्ट पर एस्टिमेट होती है, फिनिश गुड्स कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी होता है, डेटर्स कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स भी होता है। तो बेटे इन चीजों का ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको आता है। फिर मैंने कंसेप्ट 17 बताया था, बेटे इसमें क्या बताया, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और मैंने टंडन साहब की बात की थी, टंडन कमेटी की बात की थी, बैंक का सिस्टम क्यों चेंज हुआ यह बताया, तीन मेथड कौन से थे, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, सब बताया बेटे, कोर करंट एसेट्स क्या होते हैं क्योंकि तीसरे मेथड में परमानेंट करंट एसेट की बातें हो रही है। तो बेटे परमानेंट के बाद मैंने चित्र बनाया था, याद आ रहा है, परमानेंट करंट एसेट्स
टेम्परेरी करंट एसेट्स। एग्जाम्पल दिया था हल्दीराम का, ठीक है जी, दिवाली का। फिर मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी जो दुनिया में 99% कोई बताता नहीं, कंसेप्ट नंबर 18 बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर आपको पेपर में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी है तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच लगाएंगे ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या करेंगे, फॉर्मेट बताया था। फिर मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगाओगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऑफिस ओवरहेड्स नहीं आएंगे। याद आ रहा है? आ रहा है? आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी खुशी मुझे बता रही है, आपकी स्माइल मुझे बता रही है कि आपको याद आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हो तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग अप्रोच लगाते हैं और उसमें क्या चीज का ध्यान देते हैं, आपको याद आ गया। कंसेप्ट 19 न्यूली कमेंसिंग बिजनेस, ईयर 1 न्यूली कमेंसिंग बिजनेस और ईयर 1 अगर हो तो बेटे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का नहीं होता। एग्जिस्टिंग बिजनेस में मानते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर है, लेकिन बेटे न्यू में या ईयर 1 में नहीं मान सकते, तो इस बात का ध्यान देना है। कंसेप्ट नंबर 19 के बाद फिर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। आइए जी, ये लेक्चर 2 में बताया था, अब मैं आ रहा हूं लेक्चर 3। कहां हो तुम? अभी तो आ रहे थे लेक्चर 3। यानी ये तो 4 आ गया। लो जी बेटे, कंसेप्ट 20 बेटे, कोई नहीं है दुनिया का लाल भुवेश आनंद के अलावा जिसने वर्किंग कैपिटल को 24 कंसेप्ट से डिवाइड करके समझाया हो। बेटे कंसेप्ट 20, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा था कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, कई बार एग्जामिनर ओछी हरकत करेगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देगा कि वर्किंग कैपिटल के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बैलेंस शीट भी बनाओ। बेटे आप कर लेंगे, मुझे पता है। पहला स्टेप होगा प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करना, क्योंकि वो कॉस्ट शीट भी होगी, उसके बाद वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करना और उसकी मदद से बैलेंस शीट बनाना। बेटे भूल ना जाना, करके आना, भूल ना जाना, करके आना। बेटे आओ, मैंने कंपनीज एक्ट 2013 का बैलेंस शीट बताया था। बेटे कंसेप्ट 22, बेटे डबल शिफ्ट बताया था, चित्र बनाया था। 99% टीचर्स ये बताते ही नहीं कि वर्किंग कैपिटल डबल शिफ्ट में कैसे कैलकुलेट होगी। और बेटे कंपेंडियम, आपकी कंपाइलेशन जो सीएस इंस्टीट्यूट ने दी है, उसमें डबल शिफ्ट का क्वेश्चन है। भूपेश आनंद से जिसने पढ़ा होगा उसको डबल शिफ्ट क्वेश्चन वो कर पाएगा, बाकियों को 6 महीने और लगने वाले हैं, लेकिन नहीं लगेंगे क्योंकि मैंने यूट्यूब में डाल दिया उन बच्चों के लिए भी, वो भी तो मेरे ही है, वो भी तो मैं उनसे भी तो प्यार करता हूँ। बेटे डबल शिफ्ट में हर चीज डबल हो जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस को छोड़कर। मैंने बताया था कॉस्ट शीट बनाई है, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस क्यों हो जाए, क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेटे सिंगल शिफ्ट का जो वर्क होगा वो दूसरी शिफ्ट में पूरा हो जाएगा। मैंने मवाना शुगर गन्ने की फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया था कि गन्ने की फैक्ट्री में ऐसा करते हैं, तो बेटे मैंने इसके साथ ये भी कराया। फिर मैं आ गया था लेक्चर 4 में, वर्किंग कैपिटल रेशियोज आजकल आ रहे हैं। बेटा आपको कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियोज दी होती थी, आप बैलेंस शीट बनाते थे, आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल का रेशियो दिया जाएगा, बैलेंस शीट बनाओ और बैलेंस शीट की मदद से वर्किंग कैपिटल निकालो। तो बेटे इसके भी 2 क्वेश्चंस कराए थे, याद आ रहे बेटे, करके जाने। फिर मैंने क्या किया था मेरे बच्चे या मेरे लाल, मैंने आप सभी को थ्योरी के क्वेश्चंस बताए थे। बेटे देखो, पहली बार किसी दुनिया में किसी बुक में क्वेश्चन और आंसर सारे लिखे हैं। प्लीज मेरे बच्चे, ये एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन दिए बेटे, मेरा मन तो है कि आप जरूर करें। और मैंने क्या किया, थ्योरी की एक बुक मिल रही है ना जो आपको 101 डायग्राम वाली, उसमें थ्योरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिए, इसमें से आंसर यहीं पे, क्वेश्चन यहीं पे बेटे, लेकिन थ्योरी में मैंने वो चीज लिख दी है। थ्योरी की बुक में बेटे अभी मिलेगी बेटे, 101 डायग्राम वाली बेटे, प्लीज ले लो बेटे। दो बेटा आगे देखो, ये थ्योरी जब मैं कंप्लीट करूंगा चित्रों के साथ, उसके बाद बेटे मैंने बताया, मैंने क्या बताया, एक बच्चा हैरान हो गया कि सर ने तो कितनी बढ़िया बुक बनाई, इसमें क्वेश्चन भी और आंसर भी है। हाँ बेटे क्या करूं, प्यार है, क्या ले सकते, आप खाली बुक लेना चाहे बुक भी ले सकते हैं बेटे, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब से वीडियो देखिए,
बस मैं चाहता हूं कि आप पास हो जाएं बेटे, और कोई भी भावना नहीं है, बड़े चित्र बनाए, आप किसी के नोट चेक कर लेना बेटे, इस तरह के हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। फिर मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए बेटे, प्रैक्टिकल में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराए, और कौन से क्वेश्चंस करने हैं मैंने वैसे लेक्चर्स में बताया था, लेकिन मैंने क्या किया, अब एक नई थ्योरी की बुक बनाई है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन कौन से करने हैं। मैंने क्या किया, हर क्वेश्चन की एक लाइन का पहला अक्षर लिखा, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो बुक मिलेगी आपको डायग्राम की, इसमें कोई भी चैप्टर है, जैसे ये चैप्टर है तो मैंने क्वेश्चन नंबर यही लिखा, उसके दो तीन वर्ड्स लिख दिए जिससे कि आप उस क्वेश्चन को पहचान पाओगे, ये क्वेश्चन करके जा रहे हैं बेटे, बड़ी मेहनत की है, उद्देश्य एक ही था कि आप पास हो रहे बेटे। तो मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी लिखे, कौन कौन से करने हैं वो बात मैं करा चुका हूँ, सीएस की स्टडी, सीएमए की स्टडी, पेपर सब कवर कर दिया, इसीलिए तो हमारी बुक से पेपर में आता है। और बेटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बुक जो दी है, जो आपको मिली है बेटे, जिसमें बैरक ओबामा है बेटे, इसमें भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने क्लास में कराए हैं, प्लीज बेटे करके जाना। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो सच में मैं कह रहा हूं आपको आधी से ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी। तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन और कुछ नहीं, बजट प्रिपेयर करना, पहले से एस्टिमेट करना है। जैसे आप किसी विवाह में जाते हैं तो पहले से सोचते हैं ना कि आपको भूख कितनी, चीला खाएं, पाव भाजी खाएं, वड़ा सांभर खाएं, तंदूरी रोटी खाएं, पनीर खाएं, ये सारी एस्टिमेशन आप पहले ही तो लगाते हैं, इसी का तो नाम है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट। तो बेटे 24 कंसेप्ट प्लीज करके जाएं बेटे, अपने माता पिता का सपने पूरे करें बेटे, जीवन में अपने ड्रीम्स पूरे करें। इन्हीं भावना के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करूंगा बेटे, और बस ये चाहूंगा कि आप जल्दी से पास हो जाएं।